तुमने पूछा कि ये ऑनलाइन कोर्स का आइडिया ये कैसे आया और इसकी रूपरेखा क्या है। वास्तव में अभी लॉकडाउन के दिनों में हम लोग जो आचार्य हैं उनके साथ में एक गीता स्टडी ग्रुप हम लोगों ने बनाया और गीता अध्ययन चल रहा था। तो ये आचार्य को जाने क्या सूझी, बोले सर आप ऑनलाइन कोर्स करवाइए। अच्छा, मुझे 5 बरस हो गए हैं महावास्तु के बेसिक्स को पढ़ाए हुए। मुझे जहां तक याद है शायद 2015 में मैंने जो बेसिक्स वाला कोर्स है वो करवाया था। तो ऐसा कोई बहुत रूटीन जैसे होता है वैसा रूटीन तो था नहीं, और मेरी अप्रिहेंशन थी लोगों के साथ में कि भाई प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, क्योंकि देखो जो वास्तुशास्त्र है या महावास्तु वास्तुशास्त्र का ही एक अपग्रेडेड कह लो या मॉडर्न वर्जन है, रिफाइंड वर्जन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक रिलेट करने की प्रैक्टिस नहीं होगी, किस जोन में क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी एक्टिविटी है, जब तक उसको बार बार रिलेट नहीं करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो जो ऑफलाइन कोर्स होता है उसमें प्रैक्टिकल्स ही इतने इंटेंसिव होते हैं, इतनी सारी केस स्टडीज में से लोग निकल जाते हैं, तो वो जब घर जाते हैं तो उनको रिलेट करने में आसानी होती है। तो ये चैलेंज, ये एप्रिहेंशन मेरे को अपने तरीके से थी, क्योंकि भाई मैं तो अब मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से तो अब हम पुराने जमाने के मॉडल हैं, पर सबका कहना था कि आपसे वास्तु पढ़ना है। और मेरे को कुछ ऐसा था कि भाई सामने लोग बैठे हों, प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिस हो, किसी का कोई सवाल है तो सेशन के बाद वो जवाब दिए जाएं, तो अच्छे से दिमाग में बात बैठती है। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला कि अब जो प्रैक्टिकल केस स्टडीज हैं, वो जो कोर्स कर रहा है उसके अपने घर पर ही होंगे, यानी कि उसका अपना घर, वो अपने घर का नक्शा प्री प्रेपरेशन में हम उसे गाइड करने वाले हैं कि वो नक्शा या तो खुद बना ले या किसी से बनवा ले, ये आर्किटेक्ट या ये ड्राफ्ट्समैन है, ये नक्शा बना देंगे, और साथ में अपने 4 जानकारों के घरों का नक्शा भी बना के अपने पास रख ले, क्योंकि जब उसको कॉन्सेप्ट मिलेगा तो उसी कॉन्सेप्ट को वो 4 या 5 घरों में एक साथ लगाकर देखेगा तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती कि उसको स्पष्टता ना हो। महावास्तु का जो मूल रहस्य है उपचार करने का या रेमेडीज देने का, वो एक ही है, बड़ा सरल सा है कि जोन फिक्स्ड है, 16 दिशाएं हैं, 16 दिशाओं के अपने गुणधर्म हैं, उनके अपने तत्व हैं, और वो जो उनके अपने गुणधर्म और तत्व हैं वो फिक्स्ड है। दक्षिण पूर्व दिशा है, अग्नि की दिशा है, उसका अग्नि तत्व है, अगर वहां जल तत्व आ जाएगा तो विरोध पैदा होगा। धन की दिशा है तो धन आने में रुकावटें होंगी किसी भी कारण से। तो जब लोग रिलेट करेंगे कि अरे यहाँ ये रखा है, यहाँ ये एक्टिविटी है, यहाँ पर किचन है तो क्या हो रहा है, टॉयलेट है तो क्या हो रहा है, या फिर कोई उपयोगी सामान है, ग्राइंडर है, मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, तो हाँ ये सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, और फिर कोई डेकोरेशन के ऑब्जेक्ट्स हैं तो कैसे उनकी शेप्स और उनके कलर्स के कारण क्या वो सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं। जब एक व्यक्ति 16 दिनों में 5 घरों पर इस प्रकार से अभ्यास करेगा तो उसको पूरी स्पष्टता हो जानी है। फिर उसके अलावा अपने रीजनल ग्रुप्स हैं जिसमें मेरे ख्याल से इस वक्त करीब 2000 जो महावास्तु फाउंडेशन किए हुए लोग हैं वो उन रीजनल ग्रुप्स में रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अपनी कम्युनिटी मिलेगी जो लोकल भाषा में बात कर सकती है। तो ये सब मिलकर जो महावास्तु के सर्टिफाइड और अप्रूव्ड ट्रेनर्स हैं उन्होंने ये मॉडल डिजाइन किया, मेरे संशय दूर किए कि भाई हम इस तरीके से कराएंगे, आप एक सेशन दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं। अपने अपने यहाँ ऑफिस में भी खूब फोन आते थे कि हम केबी से ही कोर्स करना चाहते हैं,
और मैं उन सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई मेरे से अच्छे तो ये जो यंग जनरेशन आई है ये ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं फिर कहीं ना कहीं मिसफायर कर जाऊंगा कोई चीज, पर ये तो संभव ही नहीं है कि ये लोग मिसफायर करें, क्योंकि ये ज्यादा बारीकी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सब लोगों ने कहा कि नहीं बिल्कुल आप ही कोर्स करवाओगे और हम लोग, आप जब सेशन कंप्लीट करोगे हम रीजनल लैंग्वेज में उसको रिवाइज कराएंगे, उसके की पॉइंट्स को फिर से समझाएंगे और फिर जो पार्टिसिपेंट है वो प्रैक्टिस करेगा, अगले दिन उसका फिर से प्रैक्टिकल होगा, उसने जो वर्किंग करी है उसको बारीकी से चेक करेंगे कि उसकी अप्रोच सही बन रही है क्या। मेरे को ये बात खूब जमी कि भाई अब अच्छे से हो जाएगा। मैंने इसमें एक चीज और जोड़ी कि भाई फिर हम ऐसा क्यों ना करें कि वो अपने घर का नक्शा बनाकर हमें भेज दें, हम उसका सेंटर निकाल देंगे, क्योंकि करीब 90 आचार्य हैं और मेरे ख्याल से जो मुझे अभी तक सूचना मिली है करीब 2000 लोगों ने अब तक एनरोल किया है, जो मुझे टेंटेटिव उन्होंने बताई है फिगर्स, 2000 से कुछ ज्यादा होंगे और बाकी करीब 1000 लोग और कह रहे हैं कि एनरोल करने के प्रोसेस में, विदेशों में भी है। तो फिर मुझे लगा कि भाई बिल्कुल ठीक है, अगर ये 3000-4000 लोग ऑनलाइन कोर्स करते हैं तो अपने प्रत्येक आचार्य के पास करीब करीब 40-45 स्टूडेंट होंगे और वो उनका जो नक्शा है, एक नक्शा है, चार नक्शे हैं, मैं तो चाहता हूँ जानकारों के घरों का भी वो देखें, क्योंकि वो उनको जानते हैं तो वो रिलेट कर सकते हैं कि उनको वो प्रॉब्लम वास्तु की वजह से है भी या नहीं है। और महावास्तु के जो छोटे छोटे ये उपचार हैं, कोई कलर पट्टी लगा दी, कोई बल्ब जला दिया, तो उससे उनका कुछ निदान कर सकेंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत आराम से, क्योंकि 16 दिन है तो हर दिन का अगर 2-3 घंटे का सेशन होगा तो ये नॉलेज इंटरनलाइज हो जाएगी और इस तरीके से ये जो ऑनलाइन कोर्स है, खूब मेहनत कर रहे हैं सब लोग कि भाई कोई भी व्यक्ति ये ज्ञान लेने से ना बचे और उसको वो अप्लाई करना आ जाए, प्रैक्टिस हो जाए। मामला प्रैक्टिस का है ना, कुछ फॉर्मूलाज में है, फॉर्मूला तो अब किताब में भी दिए हुए हैं, इतने सारे यूट्यूब पर वीडियो हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बीइंग इन द ग्रुप, लाइक माइंडेड लोगों के ग्रुप में होकर अपना किया हुआ काम देखते हैं, साथी का किया हुआ काम देखते हैं, तो वो बार बार देखने से और करने से वो सारी बातें जहन में बैठ जाती। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये जो ऑनलाइन वाला प्रोग्राम है जो अपने लोगों ने तय करके, इतनी मेहनत करके इसको खड़ा किया है, इससे प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्टता होगी कि महावास्तु के क्या रहस्य हैं। और मैं पिछले 5 वर्षों में मुझे लगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे किया जा सकता है और कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं उनका ध्यान रखना, और जो मैंने अभी पिछले 5 साल में एक्सपेरिमेंट्स किए वो मैं इस कोर्स में शेयर करने जा रहा हूँ। हालांकि मैंने तो अब कंसल्टिंग छोड़ दी है तो बहुत रिलैक्स भी हूँ और सारी अपनी चीजों को लिखने का समय मिल रहा है कि वो क्या चीजें हैं जो काम करती हैं। तो इस फाउंडेशन कोर्स में उन सब बातों को मैं शेयर करूंगा और मेरी इस बात को, क्योंकि भाई मेरी तो भाषा की लिमिटेशन है, मैं तो हिंदी भी पंजाबी में बोलता हूँ, पर अपने जो ट्रेनर्स हैं दे आर वेरी गुड पीपल, इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, इतने लोगों को मैं तो नंबर्स भी नहीं जानता कि कितने सारे लोग हैं और वो सब लोग खुश हैं, मुझे चिट्ठी डालते हैं, मैसेज करते हैं कि हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, हमारे ये ट्रेनर बहुत अच्छे हैं, हमारी ये ट्रेनर बहुत अच्छी है, खूब मददगार हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक परिवार के जैसे सब लोग सीख रहे हैं और ट्रेनर्स भी सिखा रहे हैं।
तो अब मुझे ऑनलाइन कोर्स में किसी किस्म की कोई चीज छूट जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता, जो सारी इतनी सारी तैयारियां हैं। फिर कुछ लोगों ने शायद चिट्ठी डाली है कि भाई किट नहीं पहुंची तो क्या होगा, तो उसका, हालांकि जिन लोगों ने कोर्स किया है उनको पता है कि किट की जरूरत कोर्स के दौरान कितनी पड़ती है, क्योंकि वास्तव में किट इसलिए दी जाती थी कि 2 दिन का कोर्स है या 4 दिन का कोर्स है, तो घर जाके उनको खूब सारा रेफर करने के लिए कोई स्ट्रेस ना हो, कोई नोट्स ना बनाने पड़े। पर अब चूंकि 16 दिन हैं तो जो मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो तो उनको प्रोवाइड हो ही जानी है, वो तो बचनी नहीं है। एक मैनुअल है वो बाद में जरूरत पड़नी है रेफर करने के लिए, उसके अलावा एक कार डेक है इजी रेफरेंस के लिए कि अपने टेबल पर रख लिया तुरंत से रेफर करना हो, और शक्ति चक्र है, और मेरा मनस अभी ये अपनी टेक टीम ने इलेक्ट्रॉनिक शक्ति चक्र बना लिया है तो मैं वो शेयर करूंगा। तो बाकी तो फुट्टा है, पेंसिल है, वो बाजार से ले लेंगे, उसमें क्या बात है। हाँ, वर्कबुक्स हैं। अब वो वर्कबुक तो जो 5 अपने ही परिचितों के घरों पे काम करने से जो मिल जाएगा, और वो वैरायटी के घर ले ले, कोई अपार्टमेंट हो किसी जानकार का, किसी का फ्लोर हो, किसी की कोठी हो, जैसे भी घर हो, वो 5 नक्शे लेकर उन पे अच्छे से काम कर लिया तो ये 16 दिन में तो ये भी पता चल जाएगा कि रिजल्ट क्या आए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि ये इतने बरस के बाद, 1990 में मेरी दिलचस्पी हुई थी वास्तुशास्त्र में, और आज 2020 है, 30 बरस एक ही विषय में ध्यान रहा। तो बड़ा सुखद लग रहा है कि एक अगली पीढ़ी तक ये विषय जा रहा है और बहुत ही अच्छा होने वाला है। हाँ, मैं सब लोगों को कहूंगा, आप लोगों को जो आप मुझे देख रहे होंगे, मैं अंकित के सवालों के तो जवाब देता ही रहूंगा, पर निश्चिंत रहिए,